Hello everyone, in today's video we are going to conduct an experiment to draw IV characteristics curve of a PN junction diode both in forward bias and reverse bias. As this you have already done in your theory class, that forward biasing of a diode means when P side is at higher potential as compared to N side. So this is the circuit for forward biasing of PN junction diode. Here you can see that P side of this PN junction diode is at lower potential as compared to its N side. Therefore, this circuit diagram is for reverse biasing of PN junction diode. So we will connect the components of this circuit according to the circuit diagram first. That means forward biasing in this kit. As you can see here, this is the power supply for 0 to 1 volt. And here we have the another power supply with 0 to 100 volt DC. This is your voltmeter, this is ammeter. Here it is PN junction diode, this is also PN junction diode. We will use the upper part for connecting it in forward bias and this middle part for reverse biasing. So before connecting all the components, first of all we have to find out the least count of the voltmeter. Ab ye to bachcho dekho apne lower classes mein bhi dekha hoga how to calculate least count of a device. Chaliye aaj dekhte hain ek aur baar. So here यू कैन सी इसमें एक नीचे भी स्केल लिखा हुआ है 0, 20, 40, 60, 80, 100 और एक स्केल देखो ऊपर भी लिखा हुआ है 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. एक्चुअली में हम इसे बार बार ही ऊपर का स्केल और नीचे का स्केल दोनों यूज करेंगे. वो आप देखो इस नॉब से भी देख रहे हैं. अगर नॉब ऊपर की तरफ होता है इट मीन्स इसकी रेंज होगी 1 वोल्ट और अगर नीचे की तरफ हो जाएगा देन इट्स रेंज विल बी 100 वोल्ट. एंड सिमिलर थिंग विद योर एमीटर ऑल्सो. सो फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन वोल्ट मीटर एंड नाउ इट्स लीस्ट काउंट इज you can see from 0 to 0.2 there are 10 divisions. Therefore least count of the voltmeter is 0.02 volt. Clear? And now in case of ammeter we can see the range is 1 milliampere the lower scale and the range is 50 milliampere if we consider the upper part of the scale. So now the least count is again same procedure from 0 to 0.2. Here again we have 10 divisions. Therefore its least count is 0.02 milliampere. Clear हो गया? अब जल्दी से मैं इस सर्किट की हेल्प से सारा कनेक्शन पूरा कर लेता हूं. लेट्स स्टार्ट कनेक्टिंग ऑल द कंपोनेंट्स और इसकी हेल्प से ही करना है. देखिए जैसा जैसा सर्किट डायग्राम है वैसे वैसे आपने यहाँ पे कनेक्ट करना है. तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि पी साइड वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में है और एन साइड वोल्ट मीटर के नेगेटिव में है. तो सबसे पहले वही लगा देते हैं. ये आया पी साइड का वोल्ट मीटर के साथ पॉजिटिव कनेक्शन, ये एन साइड वोल्ट मीटर के नेगेटिव में आ गया है. उसके बाद में यहाँ पे एक देखिए रेजिस्टर लगा हुआ है. रेजिस्टर के बाद हमारा जा रहा है कनेक्शन सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल में. तो चलिए वो लगा देते हैं. ये रेजिस्टेंस के बाद वाला कनेक्शन जा रहा है सोर्स के पॉजिटिव में और जो सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल है वो जा रहा है मिलीमीटर के नेगेटिव में. तो ये हमने यहाँ भी लगा दिया है. फिर उसके बाद मिलीमीटर का जो पॉजिटिव है वो जा रहा है एन साइड में. देखिए यहाँ पर एन साइड में दो कनेक्शन बने हुए हैं. ये दोनों ही एन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं क्योंकि देखो ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पर एक लाइन दिखा रखी है. इसका मतलब दोनों एक ही कनेक्शन है. तो ये आपका एन साइड हो गया है. अब इसकी रीडिंग लेते हैं. पर रीडिंग लेने से पहले आप इसमें ध्यान से इसके रेंज को सेलेक्ट कीजिएगा. एज यू ऑलरेडी नो फ्रॉम ए थ्योरी कॉन्सेप्ट कि इन फॉरवर्ड बायस लो वोल्टेज इज इनफ फॉर हैविंग कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ करंट. इसलिए मैं इसको कर देता हूँ 1 वोल्ट में और करंट की भी मैक्सिमम वैल्यू आएंगी तो यहाँ पर 50 मिली एम्पीयर के लिए है. तो ये हमने फॉरवर्ड बायस में दोनों ही ऊपर कर दिए हैं. अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ. अब आपने इसकी जो सोर्स है उसको धीरे धीरे बढ़ाना है और वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग को नोट करना है. बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने ओम्स लॉ में किया था. लेकिन ओम्स लॉ की रीडिंग इस केस से थोड़ी सी डिफरेंट आएगी. वो आपने देखना है और फिर मुझे बताना है कि आखिर डिफरेंस क्या रहा है. याद दिलाता हूँ इन केस ऑफ ओम्स लॉ एज सून एज वोल्टेज बिकम्स नॉन जीरो करंट ऑल्सो बिकम्स नॉन जीरो. बट यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये मैंने नॉब हिला रहा हूँ, ये मैं नॉब से वोल्टेज चेंज कर रहा हूँ. वोल्ट मीटर में देखिए रीडिंग आपको दिखनी शुरू हो गई है. लेकिन अमीटर में ध्यान से देखिए, अमीटर में अभी तक आपका पॉइंटर हिला ही नहीं है. वोल्टेज हो चुकी है 0.2 वोल्ट, अमीटर में कोई रीडिंग नहीं है. अब ध्यान से देखिए वोल्ट मीटर की रीडिंग है 0.4 वोल्ट और साइमल्टेनियसली अब आपका करंट की पहली नॉन जीरो वैल्यू आ रही है जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 1 मिली एम्पेयर. चलिए यही हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल की पहली रीडिंग है. वोल्टेज की रीडिंग आई 0.4 वोल्ट और करंट आया आपका
1 mA. इसी तरीके से अब मैं वोल्टेज और बढ़ाता हूँ, और अब मैंने ले लिया है ये 0.44, तो देखते हैं मीटर में रीडिंग क्या रही है। वो रीडिंग अभी भी अप्रॉक्सीमेटली 1 ही है। फिर मैंने कर लिया है 0.46, एमीटर की रीडिंग अभी भी वही है। फिर मैंने कर लिया है 0.5, अब देख सकता हूँ कि मेरे एमीटर की रीडिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है, अब वो हो गया है 2 mA। तो हमारी दूसरी रीडिंग आ रही है 0.5, वोल्टेज की वैल्यू थी और करंट हो गया था 2। मैं अगली रीडिंग ले लेता हूँ 0.54, और आप देखिए मीटर में अब रीडिंग आ गई है और वो अभी भी 2 और 3 के बीच में, तो अप्रॉक्सीमेटली उसे 2 ही रहने देते हैं। थोड़ा और वोल्टेज वेरी करके देखते हैं। मैंने कर लिया है 0.56 और करंट की वैल्यू 3 हो गई है। ये रीडिंग भी नोट कर लेते हैं। तो वोल्टेज है आपका 0.56 और करंट है 3 mA। नेक्स्ट रीडिंग मैं ले लेता हूँ 0.6, करंट की वैल्यू देख लेते हैं। यह रहा है हमारा अप्रॉक्सीमेटली 4 पे। ये आपकी नेक्स्ट रीडिंग आ गई है 0.6 और ये 4। अब मैंने कर लिया है 0.64 पे, तो ये वोल्टेज हो गई है 0.64 वोल्ट। करंट देखिए, अब आप बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर अब हमारा करंट नॉन लीनियरली होना शुरू हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी रीडिंग आ रही है 8, और ये जो वेरिएशन है ये भी और बढ़ता जाएगा। ये मैंने ले लिया है 0.68। अब आप करंट की तरफ देखिए जरा, करंट बढ़ के हो चुका है 20। तो देखिए वोल्टेज की वैल्यू होगी 0.72, और हम देख लेते हैं कि अब करंट की वैल्यू जो आ रही है वो है 58। अब आप देखिएगा बच्चों कि अगर मैं अब जरा सा भी वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो करंट आपका देखिए मीटर में शूट कर जाता है, तो वो रीडिंग आएगी ही नहीं। इसलिए तो हमारी जो मैक्सिमम रीडिंग आई है जो हम ले सकते हैं इसमें, वोल्टेज है 0.72 और करंट 48 mA। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल रेडी हो गई है फॉर फॉरवर्ड बायसिंग। अब बिल्कुल इसी तरीके से इस सर्किट डायग्राम की हेल्प से रिवर्स बायसिंग का सर्किट तैयार करते हैं। अब हम रिवर्स बायसिंग का कनेक्शन इस पे लगाते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले फिर वही कि आप पीएन जंक्शन डायोड के पैरेलल में वोल्टमीटर लगाइए। इस बार पी साइड जो है ये रहा, वो वोल्टमीटर के नेगेटिव में है, यानी कि यहाँ चला जाएगा, और एन साइड वोल्टमीटर के पॉजिटिव में आ गया। तो ये कनेक्शन हमारा हो गया है। अब उसके पी साइड से आप एमीटर को कनेक्ट कर लीजिए। एमीटर का भी पॉजिटिव एंड कनेक्ट होगा, तो ये एमीटर का पॉजिटिव एंड कनेक्ट हो गया है। एमीटर का जो नेगेटिव एंड है वो हमारा जा रहा है बैटरी के नेगेटिव में। बच्चों ध्यान रखिएगा कि रिवर्स बायसिंग में हम ये वाला एंड चूज करते हैं जिसमें 0 to 100 volt होता है, तो उसका नेगेटिव टर्मिनल वो ये आ गया है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल वो जा रहा है उस रजिस्टर के थ्रू जो कि एन साइड से कनेक्टेड है, तो वो ये वाला पॉइंट है, तो हमने यहाँ पर इसे लगा दिया है। तब ये सर्किट डायग्राम भी आपका रेडी हो गया है। इसकी भी रीडिंग ले लेते हैं, और उससे पहले हम इन नॉब्स को एडजस्ट कर लेते हैं। वोल्टेज जब आपको ज़्यादा चाहिए इसलिए वो 100 वोल्ट पे चला जाएगा, करंट आपका रिवर्स बायसिंग में कम आएगा इसलिए हम 1 mA की रेंज को यूज़ करेंगे। और जो ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल में थ्योरी में इन रिवर्स बायसिंग वी अज्यूम दैट नो करंट इज पासिंग थ्रू द डायोड, बट प्रैक्टिकली ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं देगी और कुछ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट आएगा। तो सर्किट हो गया अब हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं कि वोल्ट मीटर में और एमीटर में रीडिंग कैसे आती हैं। अब मैं वोल्ट मीटर की रीडिंग चेंज कर रहा हूं, वो आप देखिए कि ये बढ़ता जा रहा है, और साइमल्टेनियसली देखिए एमीटर पे भी ध्यान रखिएगा ये भी करंट बढ़ रहा है। तो आपकी वोल्टेज हो गई है 20, तब जाके इस बार करंट आया है आपका 0.24 mA, ठीक है ना, क्योंकि वोल्टेज आपने बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही है, ये रिवर्स बायसिंग का केस है। अब आपने वोल्टेज दी है 40 और करंट आ रहा है अप्रॉक्स 0.54 mA। तो देखा आपने, फॉरवर्ड बायस में मैं वोल्टेज कम दे रहा था पर करंट ज़्यादा आ रहा था, रिवर्स बायसिंग में मैं वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई कर रहा हूँ और करंट कम आ रहा है। ये देखिए 60 वोल्टेज तक पहुँच चुका है और करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 mA तक जा चुकी है। उसके बाद आपको वोल्टेज चेंज करेंगे लेकिन करंट की वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी रेंज ही 1 mA तक की है। तो हम इसकी रीडिंग को 58 वोल्टेज तक ही लेंगे, और उसमें कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो करंट की हो जाएगी वो आप देख सकते हैं वो है 0.98। तो बस मैं जल्दी से इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल पूरी करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आपकी दोनों ऑब्जर्वेशन टेबल पूरी हो चुकी हैं, ये है फॉरवर्ड बायस, ये है रिवर्स बायस की टेबल। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड बायस का ग्राफ हमेशा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते हैं और रिवर्स बायस का ग्राफ हम हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में बनाते हैं।
अब जल्दी से मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ और फिर इसकी कर्व को डिस्कस करता हूँ। आवर ग्राफ इज रेडी। ये ग्राफ आया है आपका फॉरवर्ड बायस में और ये ग्राफ आया आपका रिवर्स बायस में। नाउ वी कैन सी बेटा, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस पी इंजेक्शन डायोड आई वी ग्राफ एंड द ग्राफ दैट यू गॉट इन ओम्स लॉ। इन ओम्स लॉ यू गॉट स्ट्रेट लाइन, बट हेयर वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ कर्व एंड विच सेज दैट पी इंजेक्शन डायोड इज ए नॉन ओहमिक कंडक्टर। एंड हेयर वी कैन सी दैट अ वोल्टेज एट विच करंट बिकम्स नॉन जीरो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दिस वोल्टेज हैज अ स्पेसिफिक नेम एंड इट इज कॉल्ड नी वोल्टेज। याद रखिएगा बच्चों। सिमिलरली हेयर ऑल्सो इन रिवर्स बायस मोड वेन एवर द वोल्टेज इज इंक्रीजिंग एंड एट अ सर्टन पॉइंट वी कैन सी दैट कि आपका जो करंट है वो अब्रप्टली इंक्रीज कर जाता है, जो हमने मिलीमीटर में देखा भी था कि जब मैंने जरा सा भी वोल्टेज बढ़ाया तो आपके मीटर की रीडिंग बहुत ज्यादा आ गई थी बियॉन्ड द रेंज ऑफ दैट मिलीमीटर। तो इसको बोलते हैं हम ब्रेकडाउन वोल्टेज। सो दिस इज योर आई वी ग्राफ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ पी जंक्शन डायोड एंड दिस कंक्लूड्स योर एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा एंड आर यू रेडी टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन योर फिजिक्स लैब। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में नए एक्सपेरिमेंट के साथ। टिल देन कीप अप लर्निंग फिजिक्स इन योर डेली लाइफ। जय हिंद, जय भारत।